हेलो फ्रेंड्स बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक पीपर के बारे में तो ये किंग ऑफ स्पीसीज भी बोलते हैं ब्लैक पीपर को इसे ब्लैक गोल भी बोलते हैं और ट्रू पीपर भी बोलते हैं इसका पोटैनिकल नेम है पिपर निकनम फैमिली है इसकी पेपरेसी क्रोमोजोम नंबर है टू एन इक्वल टू फिफ्टी टू पार्ट यूज होता है इसका फ्रूट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं तो साउथ इंडिया ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ब्लैक पेपर इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड केरला इज़ द लीडिंग पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट केरला जो इंडिया है वहाँ पर केरला में सबसे ज़्यादा जो है पेपर प्रोड्यूस होती है वियतनाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ब्लैक पीपर इन द वर्ल्ड अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वियतनाम में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है द प्लान्टज बेस्ट इन मॉइस्ट हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट टू फिफ्टी सेंटीमीटर रिच लोमी सॉइल विद ह्यूमस एंड गुड ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड इसमें ये प्लांट हमारा बेस्ट चलता है जहाँ पे हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो रेनफॉल होनी चाहिए टू फिफ्टी सेंटीमीटर तक रिच लोमी सॉइल होनी चाहिए जिसमें ह्यूमस होने चाहिए वो हमारी जो ब्लैक गोल्ड है मतलब ब्लैक पीपर है उसके लिए बेस्ट होता है मोरफोलॉजी की बात करते हैं तो ब्लैक पीपर प्लांट इज अ वीक ट्रेलिंग प्रेनियल क्लिंबिंग वेन होती है मतलब क्लिम्बिंग वेन है ये इट कैन ग्रो अप टू फोर टू तो सिक्स मीटर ऑन स्पोर्टिंग ट्रीज ये जो है फोर टू सिक्स मीटर तक हो रही है पर किसी ट्री के साथ स्पॉर्ट करके क्योंकि ये क्लिम्बर है ऑर्थोट्रोपिक क्लिम्बिंग ऑर्थोट्रोपिक क्लिम्बिंग ब्रांचेज एंड इसकी जो दो टाइप की हमारे पास ब्रांचेज हैं डायमोफिक ऑर्थोट्रोपिक क्लिंबिंग ब्रांचेज एंड फेलिगोट्रोपिक लेटर फ्रूटिंग ब्रांचेज लीव आ सिंपल ओवेट एंड पिनिएट एंड

बोर्न ऑपोजिट टू द लीफ ऑन फ्रूटिंग जो इनफ्लोर है वो ऑपोजिट साइड पे बोर्न होगा कलर उनका ग्रेइसो कलर होगा सेल्फ क्लोरिनेटिंग प्लांट है हमारा ब्लैक पीपल फ्रूट इज सें ग्लोबल ड्रूप पल्पी पेरिकॉप ग्रीन फ्रूट जो हमारे ग्रीन फ्रूट्स हैं वो टर्न हो जाएंगे रेड ऑन राइपनिंग, और उनको जब हम ड्राई करेंगे जब हम उनको सुखाएंगे तो वो ब्लैक पीपल बन जाएंगे इन ब्लैक पीपल फ्रूट आर हार्वेस्टेड ग्रीन एंड देन ड्राई द स्किन ऑफ अनराइप फ्रूट टर्न ब्लैक जो अनराइप फ्रूट होंगे उनकी स्किन जो है ब्लैक हो जाएगी द फ्रूट मे ऑल्सो बी अलोड टू राइट देन रेड स्किन इज रिमूव एंड स्ट्रॉन्ग स्टोनी सीडिज सन ड्राई टू मेक वाइट पेपर अब जो व्हाइट पेपर मार्केट में आती है वो ब्लैक पेपर का ही एक पार्ट है लेकिन जब हम उसकी रेड वाली स्किन जो कि राइट है पक्षों की जो हमारी काली मिर्च है जब हम उसकी रेड वाली स्किन को रिमूव कर देंगे तो जो अंदर वाली जो स्किन है वो व्हाइट कलर की हमें उसको सुखाएंगे और हमारे पास वाइट पेपर बन जाएगी हाई वराइटीज़ की बात करें तो वो है हमारे पास सेरोन बेल पेपर जेलापिनो एंड पेपरिनो सीनिक यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे लीफ है जो ऊपर से शाइनी होते हैं नीचे से पेल होते हैं इस तरह से इसकी डूप्स होती हैं ये क्लिम्बर है फ्रूट है ये एम्ब्रियो एंडोकाप मीजोकॉप और एक्सोकाप फ्रूट के इंसेक्शन है यहाँ पे एम्ब्रियो है फ्लैशी कार्प है एक्सोकाप है एंडोकाप है एंडोस्पम है और पेरिस्पम है उसके बाद हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड वोलेटाइल ऑयल पीपल ऑयल ऑब्टेन पीपल ऑयल जो है इससे ऑप्टेंड होता है हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स सॉस एक्सेट्रा एंटी डिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें हमारे पास एंटी ऑक्सीडेंट और बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है हमारे ब्लैक पीपल में पेपर हल इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग टाइम फूड हल इज़ कवर आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ वाइट पेपर जब हम रेड पेपर को रिमूव कर लेंगे जब हमारे मतलब ब्लैक पेपर है उसमें जब हमारी राइप हो चुकी जो पक चुकी है हम उसकी स्किन जो रेड कलर की उसको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास हल प्रोड्यूस होगी उसको हम यूज करेंगे फ्लेवरिंग टाइम में फूड में ठीक है इसके साथ हमारे ये आज का टॉपिक ब्लैक पेपर है इसके यूजेज़ है कल्टीवेशन कल्टिवेशन जो है वो कम्प्लीट होता है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू